हाँ तो गाइस, अगर आप भी इस तरह के एडिटिंग करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो गाइस, सबसे पहले इस वीडियो के टाइटल के ऊपर क्लिक करना और फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाना है और यहाँ पे आपको सारे डाउनलोड लिंक जो है देखने को मिल जाएगा। अगर आपको नहीं पता कैसे डाउनलोड करना है तो वहाँ पे एक वीडियो मिल जाएगा हाउ टू डाउनलोड करके, उस वीडियो को जाके देख लेना। उसका जो भी प्रोजेक्ट फाइल है उसे एलर्टमेस ऐप के अंदर इम्पोर्ट कर लेना है और फिर यहाँ पे एलर्टमेस एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे प्रोजेक्ट सेक्शन पे जाना है और यहाँ पे सॉन्ग बीट में जो प्रोजेक्ट होगा उसे सबसे पहले यहाँ पे ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरह का देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आप सबको नीचे आना है और यहाँ पे ग्रीन कलर का इमेज लेयर देखने को मिल जाएगा, इसके ऊपर टैप करना है। उसके बाद कलर एंड फील पे जाना है और फिर यहाँ पे क्लिक करना है और फिर यहाँ पे सारे फोटोज देखने को मिल जाएगा और फिर यहाँ पे क्लिक करना है और फिर यहाँ पे उस फोल्डर को चूज करना है जिस फोल्डर के अंदर आपका मॉडल का फोटो है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो भी फोटो पसंद है उस फोटो को चूज करना है और चूज करने के बाद यहाँ पे प्लस टैप करके ऐड कर लेना है। उसके बाद यहाँ से बैक चले जाना है और फिर यहाँ पे आपको ऊपर की तरफ जो है आपसे थर्ड में एक जो लेयर देखने को मिल जाएगा रेड कलर का ग्रुप इमेज करके, इसके ऊपर टैप करना है। उसके बाद यहाँ पे एडिट ग्रुप पे जाना है और फिर यहाँ पे आपसे प्लस वाले टैप करना है, मीडिया पे जाना है और फिर सेम फोटो को यहाँ पे क्लिक करके ऐड कर लेना है। उसके बाद यहाँ से आप सभी को जो क्या करना है एकदम लास्ट में चले जाना है और लास्ट में जाने के बाद इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है जिससे ये फोटो यहाँ तक आ जाएगा। उसके बाद से बैक कर लेना है और फिर यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करना है और फिर इसका आपको इस तरह से नीचे कर लेना है और फिर आप सभी को फोटो एडजस्ट करना चाहते हैं फोटो को टैप करना है। उसके बाद यहाँ पे मूव एंड ट्रांसफॉर्म यहाँ पे क्लिक करना है और फिर इस फोटो का अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद से बैक चले जाना है, बैक कर लेना और फिर यहाँ पे आप सभी को जो आई का बटन जो ऑफ दिखेगा यहाँ पे क्या करना है क्लिक करके इसको जो ऑन कर लेना है। तो इस तरह से दो लिरिक्स एंड जो ग्रुप एंड मास्क वन है इन दोनों को आपको क्लिक करके जो है आप सभी को ऑन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको राइट की तरफ चले जाना और फिर इस बिटमैप पे आ जाना है 6.24 मिलीसेकंड यहाँ पे आ जाना है और यहाँ से आप सभी को फोटोज ऐड करना है। फोटो ऐड करने के लिए प्लस वाला टैप करना है, मीडिया पे जाना है और फिर जो फोटो पसंद है उस फोटो का टैप करना है और फिर यहाँ पे ऊपर थ्री डॉट पे क्लिक करना है और इसे फिल कॉम्पोजिशन एरिया कर देना है। अगर आपको 9:60 में फोटो क्रॉप है ऑलरेडी तो यहाँ पे आपको फिल कॉम्पोजिशन एरिया करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद एरो पे क्लिक करना है, कट कर देना है, बैक जाना है, प्लस वाला टैप करना है, मीडिया पे जाना है, दूसरे एक फोटो को ले लेना है, ऊपर थ्री डॉट पे क्लिक करना है और फिर इसे फिल कॉम्पोजिशन एरिया कर देना है। उसके बाद एरो पे क्लिक करना है, कट कर देना है। तो इस तरह से आप सभी को लास्ट तक जो भी फोटो है सेम प्रोसेस में ऐड कर लेना है और फिर यहाँ सबसे आपको बैक चले जाना है और फिर यहाँ पे सेक इफेक्ट प्रोजेक्ट को ओपन कर लेने। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको नीचे दो छोटे लेयर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो फर्स्ट लेयर है इसको टैप करना है और उसके बाद ओके पे क्लिक करना है और यहाँ पे डबल डबल पे क्लिक करना है और फिर इसे कॉपी लेयर कर लेने और फिर यहाँ से बैक चले जाना है और फिर सॉन्ग बीट मैप प्रोजेक्ट को ओपन कर लेने और फिर राइट की तरफ चले जाना है और फिर इस पॉइंट पे आ जाना है 6.24 मिलीसेकंड और फिर नीचे की तरफ स्क्रॉल करके आ जाना है और यहाँ पे जो फर्स्ट फोटो ऐड किया था यहाँ पे क्लिक करना है और फिर यहाँ पे डबल डबल पे क्लिक करना है और पेस्ट स्टाइल का आगे एक छोटा सा एरो दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको इसे क्लिक करके व्हाइट कर देना और इसे भी क्लिक करके व्हाइट कर देना, यानी कि इनको ऑफ कर देना है। उसको यहाँ पे पेस्ट पे क्लिक कर देना है। उसके यहाँ पे अगर फोटो आपको जूम हो जाता है तो यहाँ पे आप मूव अपने फिंगरप्रिंट से इसको जो अपने हिसाब से एडजस्ट करके आप कर सकते हैं। उसके यहाँ पे बैक चले जाना है और बैक जाने के बाद यहाँ पे जो से उसके नेक्स्ट जो फोटो इसको छोड़ देना है और इसका जो नेक्स्ट फोटो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। उस तरह से आपको डबल डबल पे क्लिक करना है और फिर फेस स्टाइल का छोटे से एरो पे क्लिक करना है और तो यहाँ पे आप देख रहे हो ऑलरेडी ये ऑफ है यानी कि व्हाइट है, तो ये रहने देना है। उसके बाद पेस्ट पे क्लिक करके ऐड कर लेना है। उसके बाद फोटो तो चाहिए तो आप अपने हिसाब से फिंगरप्रिंट से जो है इसे स्मॉल कर सकते हैं, बैक चले जाना और फिर नेक्स्ट फोटो इसको छोड़ देना और इसके नेक्स्ट फोटो जो है यहाँ पे क्लिक करना है। उसी तरह से आपको डबल पे क्लिक करना है, पेस्ट करके छोटे से एरो पे क्लिक करना और फिर पेस्ट कर देना। तो इस तरह से आप सबको एक फोटो को छोड़ के एक लास्ट तक जो है फोटो के अंदर इस इफेक्ट को जो अप्लाई कर देना एकदम लास्ट तक। उसके बाद यहाँ से बैक चले जाना है और फिर से यहाँ पे इसे एक इफेक्ट प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना है। ओपन करते यहाँ पर जो सेकेंड लेयर देख रहे छोटा सा नीचे यहाँ पे क्लिक करना है, ओके पे क्लिक करना है, डबल डबल पे क्लिक करना है और फिर यहाँ पे फिर कॉपी लेयर कर लेना है। उसके बाद यहाँ से बैक चले जाना है और फिर से यहाँ पे सॉन्ग बीट मैप प्रोजेक्ट को ओपन करना है। ओपन करते राइट की तरफ चले जाना है और फिर से यहाँ पे आपको 6.24 मिलीसेकंड इस पॉइंट पे आ जाना है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करना है और फिर यहाँ पे आप सभी को जो फर्स्ट इफेक्ट अप्लाई किया था उस फोटो को छोड़ के बाकी जितनी फोटो है वहाँ पे इस इफेक्ट को अप्लाई करना है। अप्लाई करने का सेम प्रोसेस है, लेयर पे क्लिक करना है, डबल डबल पे क्लिक करना है, फेस स्टाइल का अगर छोटा सा एरो दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्लिक करके इनको दोनों को व्हाइट कर लेना है, इस टाइम को और इस कलर वाले क्वालिटी को। उसके बाद फेस पे क्लिक कर देना, उसके बाद बैक चले जाना, नेक्स्ट फोटो को छोड़ देना। इन फोटो के अंदर इफेक्ट ऑलरेडी है, उसका नेक्स्ट जो फोटो है यहाँ पे आपको कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिला, तो यहाँ पे टैप करना है, उसके बाद डबल डबल क्लिक करना है,
पेज टाइप कर देना है, उसका नेक्स्ट फोटो को छोड़ देना है और उसके नेक्स्ट जो फोटो है वहां पर टैप करना है, डबल डबल क्लिक करना है, पेज टाइप कर देना है। तो इस तरह से आप सबको लास्ट तक जो कर देना है, उसको यहाँ पे आपको क्या करना है, बैक चले जाना है और फिर से यहाँ पे आप सभी को सेक इफेक्ट प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना है। ओपन करने का तो यहाँ पर डबल डबल क्लिक करना है और फिर सिलेक्ट ऑल लेयर कर लेना है और नीचे जो छोटा लेयर दिख रहा है दोनों लेयर को इस तरह से क्लिक करके अनटिक कर देना है। फिर से डबल डबल पे क्लिक करना है और फिर कॉपी फाइव लेयर कर लेना है, उसको ध्यान से आप सबको बैक चले जाना है। फिर से यहाँ पे सॉन्ग बीट में कुछ को ओपन करना है और फिर यहाँ पे डबल डबल पे क्लिक करना है और पेस्ट फाइल लेयर कर देना है। तो यहाँ पे जो सारे काम हो चुके हैं, तो यहाँ पे लास्ट में आपको सभी को जो है बैकग्राउंड म्यूजिक को ऐड करना है। तो अगर आपको नहीं पता कि कैसे बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड करना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो का लिंक दिया है हाउ टू ऐड म्यूजिक करके, उस वीडियो को जाके देख लेना। उसके बाद इस वीडियो को सेव करने के लिए यहाँ पे ऊपर आप सभी को जो एक एक्सपोर्ट का बटन देखा यहाँ पे क्लिक करना है और फिर यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो है इसका रेजोल्यूशन को सेट कर लेना है और फिर यहाँ पे नीचे एक्सपोर्ट का ऑप्शन देखकर यहाँ पे क्लिक कर देना है और ये वीडियो जो एक्सपोर्ट होने के बाद सेव के बटन पे क्लिक कर देना, जिससे ये वीडियो जो आपको गैलरी में सेव हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। तो वीडियो के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।